Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हाय, आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के YouTube चैनल पर। कैंडलस्टिक चार्ट हमेशा से ही ट्रेडर्स का सबसे फेवरेट रिसर्च टूल रहे हैं, पर क्या आप अच्छे और एवरेज ट्रेडर्स में डिफरेंस जानते हैं? एक्सपर्ट ट्रेडर्स को सेम चार्ट्स में वो दिखता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। उन्हें कुछ चार्ट पैटर्न्स मिल जाते हैं जो ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स कैंडलस्टिक चार्ट्स पे बनने वाले शेप्स होते हैं और पहले भी काफी बार बन चुके होते हैं। इनसे प्राइस की फ्यूचर मूवमेंट का अंदाजा लगाने में हेल्प मिलती है और दुनिया भर के हर मार्केट में इन्हें यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम 5 यूजफुल चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानेंगे, पर उसके पहले कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ और भी यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फ्लैग्स। फ्लैग पैटर्न चार्ट पे एक प्राइस रेंज होता है जहाँ प्राइस एक बड़े मूवमेंट के बाद साइडवेज या कंसोलिडेट हो जाता है। ये साइडवेज मूवमेंट यूजुअली प्राइस के करंट डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड होता है। इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं क्योंकि दिखने में फ्लैग पोल पे लगे झंडे जैसा होता है, जहाँ फ्लैग साइडवेज मूवमेंट वाली प्राइस रेंज होती है और पोल सडन बड़ा मूवमेंट होता है। फ्लैग्स कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, मतलब इनके बाद प्राइस अपनी करंट डायरेक्शन में ही बढ़ता या गिरता है। वैसे तो अलग अलग टाइप के फ्लैग पैटर्न्स बन सकते हैं, लेकिन बुल फ्लैग और बियर फ्लैग 2 मेन टाइप्स हैं। बुल फ्लैग अप ट्रेंड में बनता है, यानी जब प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा हो। बुल फ्लैग बनने से पहले प्राइस कम टाइम में फास्ट बढ़ता है और फिर कुछ देर साइडवेज प्राइस रेंज में चला जाता है, जिसके बाद प्राइस बुल फ्लैग को ऊपर की तरफ ब्रेक करके फिर से बढ़ने लगता है। वहीं बियर फ्लैग ऑलरेडी गिरते हुए मार्केट में बनता है। बियर फ्लैग बनने से पहले प्राइस यूजुअली जोर से गिरता है और फिर कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है, और फाइनली प्राइस बियर फ्लैग को नीचे की तरफ ब्रेक करके फिर से गिरने लगता है। नंबर 2, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल पैटर्न चार्ट पे तब तक बनता है जब तक प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रेड करने लगती है। ये रेंज टाइम के साथ और भी नैरो हो जाती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक प्राइस ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक करके वापस फास्ट बढ़ने या गिरने नहीं लगती। ट्राइंगल पैटर्न की प्राइस रेंज करंट ट्रेंड को पॉज कर देती है, मतलब प्राइस कुछ देर के लिए बढ़ना या गिरना रोक देता है। ट्राइंगल्स भी कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, यानी इनके बाद प्राइस अपनी करंट डायरेक्शन में ही और बढ़ता या गिरता है। ट्राइंगल पैटर्न्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल तब बनता है जब अप ट्रेंड में प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करे या साइडवेज हो जाए। इसमें चार्ट पे हायर लोज बनते हैं, मतलब प्राइस रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे गिरने पे पिछली बार से कम नीचे जाता है और उसके पहले ही वापस बाउंस हो जाता है। इससे पता चलता है कि बायर्स पहले से भी हायर प्राइस पे क्रिप्टो बाय करने के लिए रेडी है, जो पॉजिटिव बात है, और इसलिए ये एक बुलिश पैटर्न है। फाइनली जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म में काफी फास्ट बढ़ता है। दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो असेंडिंग ट्रायंगल से बिल्कुल उल्टा है। ये तब बनता है जब डाउनवर्ड ट्रेंड में प्राइस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करे या साइडवेज हो जाए। इसमें चार्ट पे लोअर हाइज बनते हैं, मतलब प्राइस सपोर्ट से टकरा के बढ़ने पे पिछली बार से कम ऊपर जाता है और उससे पहले ही वापस गिरने लगता है। इससे पता चलता है कि सेलर्स पहले से भी लोअर प्राइस पे क्रिप्टो सेल करने के लिए रेडी है, और ये नेगेटिव बात है, इसलिए इसे बेयरिश पैटर्न माना जाता है। फाइनली प्राइस सपोर्ट तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म में तेजी से गिरने लगता है। तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें लोअर हाइस और लोअर लोस दोनों बनते हैं। इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे की दोनों ट्रेंड लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल एंगल पे बनती हैं। ये पैटर्न बुलिश और बेयरिश दोनों नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रल पैटर्न है, मतलब प्राइस दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसका डायरेक्शन मार्केट के करंट ट्रेंड पे डिपेंड करता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पहले नहीं सुना या आपको डिटेल में नहीं पता, तो हमने इसी पे एक वीडियो बनाई है जो आप यहाँ देख सकते हैं। थर्ड, वेजेस। वेज पैटर्न चार्ट पे तब बनता है जब प्राइस दो ट्रेंड लाइंस के बीच नैरो रेंज में मूव करता है। ट्रायंगल जैसे ही इसमें भी प्राइस रेंज और भी नैरो हो जाता है।
लेकिन ट्राइंगल्स यूजली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनते हैं, वही वेजेस टू ट्रेंड लाइंस से बनते हैं और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होता। वेजेस से पता चलता है कि हाइज और लोज अलग अलग स्पीड से बढ़ या गिर रहे हैं, मतलब प्राइस का करंट ट्रेंड वीक हो रहा है और प्राइस डायरेक्शन बदल सकता है, इसलिए वेजेस रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी इसके बनने के बाद प्राइस अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। वेजेस के मेनली दो टाइप्स होते हैं, राइजिंग वेज अप ट्रेंड में बनता है और एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस और भी नैरो रेंज में जा रहा है, अप ट्रेंड वीक होता जा रहा है और वेज को नीचे की तरफ तोड़ने के बाद प्राइस डायरेक्शन चेंज करके डाउन ट्रेंड में आ सकता है। वहीं फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड में बनने वाला बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इससे पता चलता है कि प्राइस के नैरो रेंज में जाने से डाउन ट्रेंड वीक होता जा रहा है और वेज को ऊपर की साइड ब्रेक करने के बाद प्राइस डायरेक्शन चेंज करके अप ट्रेंड में आ सकता है। काफी बार इस पैटर्न के बाद शॉर्ट टर्म में प्राइस फास्ट बढ़ता है। नंबर 4, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों ही रिवर्सल पैटर्न्स हैं। मतलब पैटर्न्स बनने के बाद प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। लोगों को लगता है कि इन पैटर्न्स में दो हाइज और दो लोज का एग्जैक्ट सेम लेवल पे होना जरूरी है, मगर ऐसा नहीं है। हाइज और लोज आसपास हो तो भी पैटर्न को वैलिड माना जाता है। डबल टॉप अप ट्रेंड में बनने वाला बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। डबल टॉप में प्राइस चार्ट में एम शेप बनता है। इसमें प्राइस दो बार सेम हाई प्राइस लेवल तक जाता है और दूसरी बार भी उस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाता। पैटर्न तब कंफर्म होता है जब प्राइस दोनों हाइज के बीच के लोज से भी नीचे चला जाता है, उस लेवल को नेक लाइन बोलते हैं। वहीं डबल बॉटम डाउन ट्रेंड में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल बॉटम में प्राइस चार्ट पे डब्लू शेप बनता है। इसमें प्राइस दो बार सेम लो प्राइस लेवल तक जाता है और दूसरी बार भी उस लेवल के नीचे नहीं गिरता। पैटर्न तब कंफर्म होता है जब प्राइस दोनों लोज के बीच के हाई से भी ऊपर चला जाता है। डबल टॉप की ही तरह उस लेवल को यहां भी नेकलाइन बोलते हैं। नंबर 5, हेड एंड शोल्डर्स एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में बनता है और एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसमें भी डबल बॉटम और टॉप जैसे ही नेकलाइन लेवल होते हैं, पर यहां दो की जगह तीन हाई बनते हैं। पहला और तीसरा हाई ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस लेवल पे होना चाहिए। इन दोनों हाईज में 2-3% का प्राइस वेरिएशन चल जाता है। दोनों हाईज के बीच का दूसरा हाई सबसे ऊपर के प्राइस लेवल पे बनता है। प्राइस नेकलाइन लेवल के नीचे जाने के बाद पैटर्न कंफर्म हो जाता है। नाम से ही पता चलता है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स इसके पहले वाले पैटर्न से एकदम उल्टा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स डाउन ट्रेंड में बनने वाला बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पे भी पहले जैसे ही नेकलाइन लेवल इम्पोर्टेंट होता है। पहला और तीसरा लो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होना जरूरी है। दोनों लोस के बीच का दूसरा लो सबसे नीचे के प्राइस लेवल पे बनता है। पैटर्न तब कंफर्म होता है जब प्राइस नेकलाइन लेवल के ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप भी चार्ट में पैटर्न स्पॉट कर पाएंगे और एक्सपर्ट ट्रेडर्स की तरह उससे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढने में हेल्प मिलेगी। पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग मेथड्स में और भी बहुत चीजें यूज करते हैं और उन सब चीजों और मेथड्स के बारे में हम इसी चैनल पे सिखाते रहेंगे। तो कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए। दैट इज मी अनुभूति साइनिंग ऑफ।